हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वर्ल्ड स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th विज्ञान का वार्षिक पेपर 2021। समय आपके पास है 2 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक है आपके 70। सबसे पहले हम खंड का को पढ़ेंगे, ये आपका भौतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुन के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। जैसे पहला है का, निम्नलिखित में सदिश राशि होगी, तो आपके बहुविकल्पी 4 प्रश्न है, ये एक एक नंबर का प्रश्न है, ये एक नंबर का, ये भी एक नंबर का, इसके अलावा निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है, तो आपको बताना है इनमें से सदिश राशि कौन सी है। इसका खा है दाब का मात्रक होगा, क्या होगा आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। गा, किसी मशीन द्वारा करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। इसका खा है किसी तरंग के लिए आवर्त काल टी तथा आवर्ति एन के बीच संबंध क्या होगा, आपको ये बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सापेक्ष में उत्तर दीजिए। आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ऐसे कहा है 1 जूल कार को परिभाषित कीजिए, ऐसी ख, देख लीजिए आप, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 5वां, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, इसमें चाल एवं वेग में अंतर बताइए, अथवा किसी घर में एक ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई हैं या ऊर्जा जूल में कितनी होंगी, आपको ये बताना है। इसका खा दिया हुआ है किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य आवर्ति आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। इसका अथवा में प्रश्न है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर सेकेंड प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, इस समय अंतराल में मीटर बोट कितनी दूरी तय करती है, आपको ये बताना है। इसका चौथा है गतिज ऊर्जा कैसे कहते हैं, पिंड का द्रव्यमान एम तथा वेग वी तथा गतिज ऊर्जा के में संबंध स्थापित कीजिए। या अथवा इसका, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 ग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आपको बताना है। इसका खास खंड खास रूप होता है रसायन विज्ञान का। बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला वायु है क्या है, आपको बताना है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन करें, क्या पता आपके प्रश्न पत्र में यही क्वेश्चन आ जाए। और ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये एक क्वेश्चन पेपर है जो इसी साल आया है। ख, निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। पहला H2O के 18 ग्राम, O2 के 18 ग्राम में, CO2 के 18 ग्राम में, CH4 के 18 ग्राम में। तीसरा शुरू होता है, न्यूटन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर या डाल्टन, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 चालू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, आपको बताना है। 4 प्रश्न पूछे गए हैं आपके, ये 4 और 4 एक एक नंबर के प्रश्न है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अविग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर प्रमाणित है, आपको ये बताना है। गर्म पदार्थ से आप क्या समझते हैं, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पदार्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, अथवा निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ या कोलाइड निलंबन, या तो इस प्रश्न कर दो या इन सब की डेफिनेशन दे दो। इसका खा है निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, आपके इनके रासायनिक सूत्र लिखने, या अथवा में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएँ लिखिए, आपको सीमाएं बतानी कौन कौन सी सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.851 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए, या इसके प्रश्न अथवा में दिया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। अब हमारा खंड खास शुरू होता है, ग, जीव विज्ञान। खंड ग मतलब तीसरा क्या है, जीव विज्ञान। बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होते हैं, इसका क्या है, राइबोसोम का क्या कार्य है, आपको बताना है, वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण या गति। इसमें भी आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं।
दूसरा तीसरा देख लीजिए आप, इनका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें घर पे बैठ करके। क्वेश्चन नंबर टू, मैं ये नहीं कह रहा यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इनसे संबंधित या कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है मृदा अपरदन क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका ग है, चरागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका तीसरा है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, आपको बताना है। घ, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। इसका पांचवा है टेरिडा फाइटा और फेनरोगेम में क्या अंतर है, आपको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री शुरू होता है इसका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, आपको भी बताना है। हमारे जो भाई लोग किसान लोग हैं, खेतों में खाद क्यों पूछते, आपको उत्तर नहीं पता है तो या तो आपके पड़ोस में कोई किसान होंगे या कोई आपके रिश्तेदार में कोई किसान वगैरह होंगे, उनसे पूछ सकते हो आप। अथवा पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। खा, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए, यह अथवा में दिया है। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए, आपको चर्चा करनी है, इस पर आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर फोर है, मृदा अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, अथवा में दिया है। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे पैदावार हो सके, ये आपको बताना है। साइंस का प्रश्न पत्र समाप्त होता है, इसकी घर पर बार बार प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की आती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।